हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। रोजाना के भांति इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे बिहार एसटीटी और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित न्यूज़ों के बारे में, अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, ये हिंदुस्तान खबर की एक आर्टिकल है जिसमें शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई है, जो कई सारे केस लंबित हैं शिक्षा विभाग के विरुद्ध, उनको निपटारे के लिए 25 में से 21 दिन का कैंपेन चलाया जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य होगा कोर्ट केस का निपटारा करना। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया है। कोर्ट केस का बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आने वाले पिछले दिनों में हमने देखा कि कई कोर्ट जो लंबित थे, कई कोर्ट केस शिक्षा विभाग के, उसका जजमेंट आ चुका है। लेकिन अभी भी आप ढूंढिएगा, खोजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो कई केस अभी भी लंबित हैं शिक्षा विभाग के खिलाफ, जो बहाली प्रक्रिया को अटकाई हुई है। संभव है कि विशेष कैंपेन चलेगा तो निपटारा होगा। सबसे ज़्यादा कोर्ट केस आप सभी को पता है पेंशन वाले को लेकर है, उसके बाद नियुक्ति वाले मामले को लेकर है। नियुक्ति वाले मामले में बीटेट, सीटेट, एस्टेट, इस तरह के कोर्ट केस हैं जो दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा पेंशन वाले की कोर्ट केस की संख्या, उसके बाद यही सीटेट, बीटेट, एस्टेट वाले कोर्ट केसों की संख्या, जिसका निपटारा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में बहाली प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई लंबित मामलों में शिक्षा विभाग को सुननी पड़ रही है न्यायालय की फटकार। शिक्षा विभाग कोर्ट में लंबित मुकदमों के निपटारे को लेकर अभियान चलाएगा। नियुक्ति से भी अधिक पेंशन के मामले यहाँ आप देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव खुद जुटे निदेशालयवार इसकी समीक्षा करने में। केस के निष्पादन के लिए 25 मई से ही विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स पढ़ देते हैं। बकौल अपर सचिव विभाग में नियुक्ति और नियोजन को लेकर बहुत सारे मामले लंबित हैं, लेकिन इनसे अधिक वैसा न्यायालय आदेशों का तामीला किया जाना है जिनमें समय पर पेंशन नहीं दिए गए। 1 जनवरी 2021 से 31 मई 2022 तक पेंशन के 100% भुगतान को सुनिश्चित करने में विभाग जुटा है। एक सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 जून तक 100% निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। तीन तरह के लंबित मामले शिक्षा विभाग में, तीन तरह के मामले लंबित हैं। पहले ऐसे सैकड़ों हैं जिनमें न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन नहीं हुआ। दूसरे प्रकार के ऐसे मामले हैं जिनमें विभाग को अपना पक्ष रखना है और यह लंबित है। तीसरे प्रकार के मामले अवमाननावाद से जुड़े हैं। तीनों को अलग अलग इकवाहन कर निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब 15 जून तक जो 100% निपटारे का लक्ष्य रखा गया है, वो लंबित हजारों कोर्ट केस के निष्पादन को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के आदेश पर 25 मई से ही विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को श्री सिंह ने हिंदुस्तान को बताया कि चूंकि कोर्ट अभी बंद है और नए मामले नहीं आ रहे हैं, तो यह पुराने मामलों के निष्पादन का बेहतर समय है। 15 जून तक का कोर्ट केस के निपटारे का यह अभियान चलेगा। सभी निदेशालयों को निर्देश है कि इस दौरान 100% लंबित केसों का निपटारा हो जाए। ऐसा होता है तो हम ही लोग के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग का अभियान चलाकर कोर्ट केस बोझ को कम करने में जुटा है। अपर मुख्य सचिव जो दीपक कुमार सिंह है हमारे नए, सभी निदेशालय सभी जिलों में एक एक पेंडिंग मामलों की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने सभी निदेशकों को 21 दिनों का विशेष अभियान चलाकर कोर्ट केस को निपटारे करने का निर्देश दिया है, जो सराहनीय कदम है। उनके निर्देश पर प्राथमिकता के आधार पर तमाम तरह के लंबित न्याय मामलों की फाइल खंगाली जा रही है, रोज समीक्षा की जा रही है। शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लंबित कोर्ट केसों की स्थगित की गई विस्तृत समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई। इसमें विचार विमर्श किया गया। आप सभी को बताते चले, इसका एकमात्र उद्देश्य, इस कैंपेन का एकमात्र उद्देश्य जो 21 दिनों का है, कोर्ट केस को निपटारा करना है। हर तरह के, जो भी तरह के सीटेट बीटेट वाले हो, या पेंशन वाले मामले हो, या नियुक्ति वाले मामले हो। समीक्षा निदेशालयवार की गई और सरकार के विभाग में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे अधिक मामले न्यायालयों में चल रहे हैं। तो ये कुछ खबर थी। और अन्य अखबारों में या अन्य वेब पोर्टलों पर या कहीं से शिक्षा विभाग से संबंधित इसके अलावा कोई अपडेट्स नहीं है। हाँ, पटना में धरना में लोग शामिल हो रहे हैं। अगर आप भी हो रहे हैं तो वहाँ का अपडेट्स जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जैसे ही कोई अपडेट्स आती है शिक्षा विभाग से जुड़ी या 7th फेज से जुड़ी, आपको हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।